को स्टार्ट कर लेते। पूरा मॉनिटर कर तो ऊपर जो स्क्रीन है ना पे हम लोग डार्क लाइट कलर यूज स्क्रीन पर कलर करने के लिए ले छोटे ब्लैक कुछ डॉटेड लाइन देंगे स्टार्टिंग। আগে এখানে আসলে শেষ হয়েছে। বর্ডার দিয়ে देखो थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे फ्लैग देने के बाद डार्क ग्रीन को यूज करेंगे साथ साथ। जहाँ पे ब्लैक यूज किया ना थोड़ा थोड़ा डार्क ग्रीन को यूज करेंगे, थोड़ा व्हाइट स्पेस भी करेंगे। रेस्टोरेंट से क्या करो कैसे ब्लैक के ऊपर डार्क ग्रीन को लगाया थोड़ा ऐड किया। बाद हम लोग लाइट ग्रीन लेंगे खाली स्पेस से। हम लोग लाइट ग्रीन तो जहाँ पे हमारा डार्क ग्रीन खत्म होगा इसके नियर बाय एरिया में थोड़ा ऐसे लाइट ग्रीन को दबा के राउंड राउंड के पूरा
ये बनाते वक्त भी थोड़ा सा व्हाइट के लिए भी जगह छोड़ दी, तो हम लोग इसमें और कलर मिक्स करने वाले हैं। फाइनली जो खाली है ये वहां पे दोनों कलर कर जाएंगे। ये बन गया, तो भी वाइट हिस्सा दिख रहा है थोड़ा मिटाने के, जैसे यहाँ पे वाइट नहीं और वहां पे तो सेम कलर मेरे हाथ पे था, तो कलर में मिक्स आएगा ब्राउन कलर आपको, लेकिन ब्राउन से पहले हम लोग ब्लैक का शेडो बनाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर से डार्क ब्राउन कलर को अप्लाई करो। डार्क ब्राउन हल्के से यूज किया, उसके डार्क ब्राउन को हल्के से नेक्स्ट लेते हैं लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन के साथ में हेलो नेक्स्ट पट्टी का कलर कर, उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेंट कर डार्क पेंट, ये ट्री का पार्ट में भी मैं थोड़ा ब्लैक यूज करूँ। ब्लैक बहुत संभल के यूज करना है बेटा, बहुत लाइट मैंने यूज किया है ब्लैक को यहाँ पे, और ये जो छतरी है इसमें भी ये, और ये छतरी को क्या कलर करूँ बताओ, कौन सा कलर करूँ छतरी में? कोशिश करूंगा कैसे बिखा। अम्ब्रेला का कलर बोलो बेटा, कौन सा कलर कर किया जाएगा? आशी बता। नेक्स्ट मेरे पास छोड़ भी जाना,
लेके जाओ, तो जा रहे हैं अब, लेके जाओ पैरेंट्स को। आज भी खेलना लेकिन अच्छा बिल्कुल करते धन्यवाद छोड़ी। बाय। पेपर पास करते हैं। हाउस की रेड ऑरेंज एंड लिटिल बिट येलो यूज करना है। तो स्टार्ट करना है रेड से, थोड़ा ब्लैक का लाइन भी ऐड किया है इसमें। हाउस में वापस थोड़ा ब्लैक का लाइन में यूज शेडो के लिए, बहुत हल्के से। देखो मैंने कितना हल्का किया, इतना हल्का से सिर्फ डोर के अंदर आप डार्क कर सकते। आपको दवा की यूज नहीं करना है, जब ब्लैक यूज कर रहे हो तो बिल्कुल भी प्रेशर मत। देखो जो ब्लैक यूज किया है हमने उसके ऊपर हल्का सा ब्राउन ही यूज करें, ब्लैक के ऊपर ब्राउन को हल्के से ग्रेड करें, उतना नहीं थोड़ा सा। स्पेशली जहाँ पे ब्लैक यूज किया था वहां पे ब्राउन को यूज किया है हमने, बाकी एरिया में ब्राउन को हल्का छोड़ा है।
अभी ये जो हल्का एरिया है ना, इसके ऊपर हम लोग व्हाइट को यूज करेंगे। अम्ब्रेला को आपने बताया एंड रेड, टू कलर यूज करते हैं। अल्ट्रा मैरून मिडिल वाले से अम्ब्रेला में भी थोड़ा सा शाइन दिखाएं, थोड़ा सा जगह हमने छोड़ दी। बाय द वे अम्ब्रेला में भी अगर थोड़ा सा ब्लैक का शैडो दे पाते बेटर लगेगा। मैं थोड़ा अम्ब्रेला में भी हल्का सा ब्लैक शैडो देने की कोशिश करूँ। ये अंदर का जो साइड है ना, ये पूरा ग्रे आएगा। आपके पास अगर ग्रे कलर है तो डायरेक्ट आप ग्रे कलर यूज कर सकते हैं। अंदर वाला पार्ट ग्रे आएगा। खाली एरिया छोड़ा है, वहां पे थोड़ा सा व्हाइट को यूज कर देते हैं शाइन दिखाने के लिए। हमने ऐसे ही यूज कर लिया। कमरे का लाइन को थोड़ा क्लियर बना देते हैं। डार्क कलर के ड्रॉ कर, सॉरी हेयर को ब्लैक होगा। डायरेक्ट में ब्लैक कर दिया है। कलर आप लोगों को बहुत संभल कर करना है, क्योंकि हम लोग ब्लैक कलर को भी मैं हमेशा अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ, लेकिन इस बार हम लोग दोनों को मिक्स करते हुए कलर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को ब्लैक थोड़ा समझ के यूज करना है। नेक्स्ट स्किन टोन
यहाँ पे थोड़ा सा ही कार्ड दिखा रहे, तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कलर दे के छोड़ दे। ठीक है, बेस्ट था। चलो एक मतलब पर्पल कलर कर यहाँ पे देख, रोज पिंक के लाइन बना दे। साइकिल कलर के साथ मैच कर। कलर कर लेते और व्हाइट के साथ थोड़ा मिक्स कर दे, लेकिन लाइन जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। देखना लाइन को ड्रॉ किया है, अभी जो व्हाइट स्पेस है वो जगह पे हम लोग व्हाइट को यूज करें। समझ आया ना? स्किन टोन के लिए हैंड को बनाना है तो हम लोग ब्राउन लेते हैं। ब्राउन से हल्का सा वन साइड लाइन ड्रॉ करेंगे, शेडो दिखाना है। तो यहाँ पे ये फिंगर और पार्ट थोड़ा सा ब्राउन पूरा नहीं करना है, देखो ब्राउन से कितना हल्का छोड़ा है इस साइड। हल्का सा ब्राउन दे दिया, बाकी हिस्सा आइदर आप पीच कलर यूज कर सकते हो, नहीं तो व्हाइट के साथ भी मिक्स कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू, मैं थोड़ा पीच कलर को ही मिक्स कर सकते हो। थोड़ा डार्क चाहिए, पीच कलर मिक्स कर लें इसके साथ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगी ताकि पीच के साथ में व्हाइट को भी मिक्स कर पाऊँ। मतलब मैं यहाँ पे तीन कलर यूज कर रही हूँ एक स्किन टोन बनाने के लिए। फर्स्ट क्या अप्लाई किया, ब्राउन, फिर एक लेयर मैंने पीच कलर यूज किया, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ा व्हाइट के लिए। तो जो जगह हमने व्हाइट के लिए छोड़ा था तो वहां पे हम लोग व्हाइट कलर को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसके पैंट के कलर, तो इसके भी थोड़ा सा ब्लैक का शैडो दे देता हूँ। ब्लैक दिया, ब्लैक को बहुत कम यूज करना है, ठीक है, बहुत हल्के हाथों से यूज करना है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग ब्राउन को यूज करेंगे, लाइट ब्राउन को यूज करेंगे। जहाँ पे ब्लैक ऑलरेडी अप्लाई किया है उसके ऊपर से ही, ताकि कलर थोड़ा डार्क आए और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे।
ब्राउन से थोड़ा फैट टाइप। तो अभी आप देख सकते हो, तो व्हाइट स्पेस छोड़ा है वहां पे, वापस मैं व्हाइट को यूज कर रही, जो स्पेस छोड़ा है वहीं पे, ठीक है बेटा। कोई जगह पे समझ जगह नहीं आ रहा है तो पूछो। आज भी आपका कैमरा क्यों ऑफ है? अच्छा, आज भी बन रहा है? अच्छा, वापस स्क्रीन टोन बनाएंगे तो यहाँ पे भी टाइम है, वापस हम ब्राउन किया, एक साइड में ब्राउन किया। ब्राउन देने के बाद क्या बताया, पीच कलर यूज करेंगे, पीच कलर को भी थोड़ा अप्लाई किया, थोड़ा गैप छोड़ा। पीच कलर अप्लाई किया, थोड़ा गैप छोड़ा, और ये जो गैप छोड़ा है इसमें व्हाइट को किया। क्या आ गया आपको स्क्रीन पर? बारिश टाइम पे यहाँ पे ऐड कर रही हूँ।